मैं डॉक्टर सुनील शर्मा, प्रोफेसर पल्मोनरी एंड क्रिटिकल केयर, डिपार्टमेंट ऑफ पल्मोनरी मेडिसिन, IGMC शिमला में कार्यरत हूँ। और ये आज हमने यहाँ पे एक CME ऑर्गेनाइज की है, जो कि आज और कल सुबह तक चलेगी। इससे पहले हमने पिछले एक दिन और आज के आधे दिन जो है वर्कशॉप्स अरेंज की थी, जिसमें हमने लगभग 100 के करीब डॉक्टर्स को ट्रेन किया है, जिसमें लंग अल्ट्रासाउंड, एयरवे इमरजेंसीज और नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन पे लोगों को हमने हैंड्स ऑन ट्रेनिंग भी दी है। इस पे इसके लिए हमारी फैकल्टी एम्स दिल्ली और सफदरजंग PGI चंडीगढ़ से आई थी, जिन्होंने काफ़ी लोगों को इनको ट्रेन किया है। और इसके बाद हमारी जो इन्फेक्शस डिजीज और अक्यूट इमरजेंसी पर ये CME चल रही है, जिसका कुछ आज हुआ और बाकी आधे जो है इसकी हमारी कल 1 बजे तक ये चलेगी, CME चलेगी। इसके लिए जो भी है आयोजन हमारा सोसाइटी ऑफ मेडिसिन के अंदर हो रहा है, इसी के थ्रू हमारी जो है सोसाइटी इसमें कार्यरत है और लोगों को इस तरह से एजुकेशन और ये देने में, बढ़ावा देने में हम इसको जो है सोसाइटी हमारी जो पल्मोनरी मेडिसिन की हमने IGMC की कर रखी है, वो इसको उसके अंतर्गत हम ये सारी एक्टिविटीज करते हैं। ये पिछले हमने ये 1 जुलाई में भी हमने एक ट्रेनिंग की थी और जो है 4 साल पहले हमने एक इसी तरह की बहुत बड़ा आयोजन किया था, जिसमें हमने लगभग 500 लोगों को बेसिक लाइफ सपोर्ट और एडवांस कार्डियक लाइफ सपोर्ट में हमने ट्रेन किया था, और लगभग 1000 लोगों को हमने रिज मैदान पर भी इसमें ट्रेन किया था जी। तो ये सोसाइटी की तरफ से हम हर साल या 2 साल में हमारा तक ये रहेगा, प्रयास रहेगा कि हम इस तरह से लोगों को जो है, जब हमारा प्रयास ये रहेगा कि हम आम लोगों को भी इस तरह की जो हमने पहले 2018 में कराई थी उस तरह की ट्रेनिंग दें, जिससे कि हम CPR जो इमरजेंसी में करते हैं, हम कार्डियोपल्मोनरी रिसुसिटेशन उसकी ट्रेनिंग दें जी। तो हमारा ये इमरजेंसी मेडिसिन का मेन एम क्या है, ये किस तरह से आम लोगों तक इसकी पहुँच जाएगी? नहीं, इमरजेंसी मेडिसिन तो एक जो है रिक्वायरमेंट होगी, MCI की भी रिक्वायरमेंट है कि हर जो भी मेडिकल कॉलेज है इसमें इमरजेंसी मेडिसिन डिपार्टमेंट सेटअप हो। और IGMC में भी हमारा ये, जैसे कि सरकार ने भी घोषणा की है कि ये डिपार्टमेंट जल्दी ही सेटअप हो, इसका जो है मूल कार्य रूप जो है वो हो चुका है, जबकि कुछ इसमें हमने फैकल्टी भी रिक्रूट हो चुकी है जो कि अभी काम करना शुरू कर दिया है, लेकिन जब ये हमारा ट्रॉमा ब्लॉक शुरू होगा तो ये फुल फ्लाइट डिपार्टमेंट शुरू हो जाएगा। ये हिमाचल के लिए बिल्कुल नया कॉन्सेप्ट है, रेस्पिरेटरी में डिजीज में आप लोगों ने ये CME ऑर्गेनाइज किए, इसमें किस तरह के खतरे होते हैं स्पेशली रेस्पिरेटरी डिजीजेस को लेकर, जैसे इमरजेंसी फैसिलिटीज के लिए आप लोगों ने ये रेस्पिरेटरी में? तो हर लगभग जो भी हमारी एक्यूट कंडीशन होती है वो इमरजेंसी होती है, क्योंकि सांस हमारा जो है सबसे पहला तो कोविड सर जी। हाँ, कोविड में जो है जो भी पेशेंट जो है एक्यूट सीवियर कोविड करके आता है, निमोनिया करके आता है जी, तो वो एक इमरजेंसी ही है हमारे को। फिर हमारे जो भी ट्रॉमा के पेशेंट होते हैं उसमें भी जो है एयरवे को हमारे को सबसे पहला जो होता है ABC इसमें चलता है, तो सबसे पहले हमारे को एयरवे को सिक्योर करना होता है जी। तो जब तक हमारा एयरवे सिक्योर नहीं होगा तो तब तक जो है हम आगे की चीज़ें नहीं, पेशेंट को सबसे पहले एयरवे ही स्टेबलाइज करना होता है किसी भी कंडीशन में, जो भी हम ये करते हैं पेशेंट को जब भी लेते हैं इमरजेंसी में, उसके बाद हम बाकी चीजें असेस करते हैं तभी हम स्टेबलाइज कर सकते हैं पेशेंट। कोविड को लेकर भी आप लोगों ने, आप ऑफिसर्स नियुक्त हैं, आप इस CME को कोविड से किस तरह से जोड़ के देख रहे हो? नहीं, कोविड से जुड़कर तो ऐसा हम डायरेक्टली कोविड रिलेटेड तो नहीं है ये CME, लेकिन हाँ कोविड में जिस तरह की हमारे को जरूरत पड़ती थी कि हमने जो है कोविड में नॉन इन्वेसिव वेंटिलेशन का बहुत ज़्यादा रोल था, तो उसमें जो है किस तरह से हमने पेशेंट को सिलेक्ट करना, किस तरह से उनको NIV देना है, किस तरह से जो है उसको मॉनिटर करना है, ये सब इस वर्कशॉप में हमने बताया है। तो प्लस साथ में उसमें एक हमारे जो है ऑक्सीजन डिलीवरी सिस्टम पे भी लेक्चर था, वर्कशॉप थी उसमें कि डिफरेंट जो है किस किस तरह से हम ऑक्सीजन दे सकते हैं, किन डिवाइसेस से दे सकते हैं, तो उस तरह से हमने ट्रेन किया कि भाई जो है किसी भी इमरजेंसी में, नॉट कोविड भी नहीं बल्कि किसी भी इमरजेंसी में जो है हमारे को ऑक्सीजन कैसे देनी है और किस तरह से हमने वेंटिलेशन देनी है। ठीक है जी, थैंक यू सर।